into my head and they won't go. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट्स का प्रोडक्शन। एंड आज के इस वीडियो पर मैंने दिखा है स्क्रीन पे आप जो स्टेटस देख पा रहे हो, जिसमें कि फोटो लेफ्ट टू राइट स्लाइड कर रहे हैं, साथ ही में इसमें कमाल के टेक्स्ट एनिमेशन दिए हुए हैं एंड साथ ही में इसमें मीन्स पार्टिकल इफेक्ट भी अच्छे वाले, स्मोक इफेक्ट, ये सारी चीज़ों को ऐड करके इसे काफ़ी कमाल का बनाया गया जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, सो इसे क्रिएट करने के लिए आप जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारे के सारे चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया। तो अब इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको अपने कैनवास को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशो को सिलेक्ट करना है, देन क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज एसेस्ट करना है और कोई सा भी कलर का आप यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करना एंड इसका जो ड्यूरेशन होगा उसे आप यहाँ से पकड़ के इंक्रीज कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, लेयर्स पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जस्ट अपना एक कोई सा फोटो इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, सो आपको जो भी फोटो पे मीन्स आप वर्क करना चाहते हो या फिर यू बोलो कि आप जो भी फोटो पे स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हो, जस्ट उस फोटो को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिलहाल मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फोटो को सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसे आपको मीन्स इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से कि पूरा स्क्रीन में अच्छा से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया हूँ। देन उसके बाद क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसका जो ड्यूरेशन है उसे आपको पूरे पूरे वीडियो के लास्ट तक कर देना होगा। ठीक है, सो इतना हो जाने के बाद जस्ट आपको सिंपली से क्या करना है, आपको ये मीन्स एनिमेशन की है। ठीक है, इस एनिमेशन की वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, लास्ट में आना है एंड यहाँ पर आपको एक टैप लगाना है। ठीक है, टैप लगाने के बाद या यू बोलो एक प्लस वाला बटन लगाने के बाद आपको इसे थोड़ा सा मीन्स एडजस्ट कर लेना है ये ब्लैक कलर के हिसाब से। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आ गया ना एंड इसे आपको लेफ्ट मूव करवाना है या फिर राइट मूव करवाना है, दोनों में से एक साइड मूव करवा देना एंड देन उसके बाद थोड़ा सा आपको आ गया ना, फिर से प्लस वाला बटन लगाना है। अभी अगर आपने लेफ्ट मूव कराया तो राइट करवा लेना। सो यहाँ पर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में करवा लेता हूँ। हाँ, एंड एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो अप एंड डाउन हो रहा है ना वो नहीं होने देना। ठीक है, अदरवाइज आपका मोशन सही तरीके से नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे अप एंड डाउन नहीं होने दे रहा हूँ एंड इसे स्ट्रेट इस तरीके से मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, सो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना एंड देन उसके बाद फिर से आपको इधर प्लस वाले बटन पे क्लिक करके लेफ्ट ले आना है, देन उसके बाद इसे फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करके राइट ले जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे मीन्स मोशन क्रिएट कर लेना एक मीन्स किसी में लेफ्ट या किसी में राइट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे मीन्स इस तरीके से करके आपके जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो एनिमेशन क्रिएट हो जाए देन उसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करना है, हैंड राइटिंग पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको ब्रश कलर ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें आपको सेकेंड ब्रश को सिलेक्ट करना है, कलर्स पैन है एंड यहाँ से आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है, डन कर देना है। यहाँ पे आपको एक लास्ट में एक साइज मिलेगा, सो इस पर क्लिक करके आप ये मैक्सिमम साइज को सिलेक्ट करना और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, मीन्स इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रॉ करके एक शैडो टाइप का बना देना और यहाँ से आपको कर लेना है बैक। ठीक है, बैक करने के बाद इसका भी जो ड्यूरेशन है उसे आपको पूरे पूरे वीडियो को लास्ट तक करना होगा। ठीक है, ना उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो फोटो आपने मीन्स यहाँ पे क्रिएट किया ये एनिमेशन वाला, इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है एंड इसे डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट कर लेने के बाद सिंपली से क्या करना होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, एडजस्टमेंट पे आना है एंड इसका सेचुरेशन को जस्ट यहाँ से आप कम्प्लीटली डिक्रीज कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद बैक करना है, बैक करने के बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल एनिमेशन मिलेगा, जस्ट इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्लस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, प्लस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से बैक करना है, देन यहाँ पे इसे हैंड राइटिंग को आप मीन्स ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना ताकि ये सबसे ऊपर में रहे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला हमारा मीन्स था वो इफेक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये ब्लैक वाला इफेक्ट ऐड कर सकते थे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, लेयर्स पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने स्मोक इफेक्ट का लिंक दे दिया, सो आप उस पर मीन्स वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, इंपोर्ट कर लेना, देन उसके बाद इसे थोड़ा अच्छा से यहाँ पे इंक्रीज करना है एंड यहाँ पे आपने जो व्हाइट हैंड राइटिंग ऐड किया है, ठीक है, इसके जस्ट आपको इसे थोड़ा सा अप साइड में इसे रखना है एंड देन इसका जो ब्लेंडिंग है जस्ट उसे आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे स्मोक इफेक्ट इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, स्मोक इफेक्ट ऐड हो जाए, देन उसके बाद आपको लेयर्स पे क्लिक करना है, मिरर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जस्ट अपना एक लिरिक्स वीडियो को इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप जो वो एक वाइट लिरिक्स वीडियो इम्पोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि वाइट लिरिक्स वीडियो यहाँ पे काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वाइट वीडियो इम्पोर्ट कर लिया एंड देखो इस तरीके का वाइट वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, जस्ट आप वहाँ पर वाइट स्क्रीन स्टेटस सर्च करना, इस टाइप का आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद इसका साइज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ
और यहाँ पे आके इसका जस्ट आपको ब्लेंडिंग स्पैन है एंड मल्टी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मल्टी को सिलेक्ट करने के बाद ये व्हाइट कलर हमारे कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। देन उसके बाद इस मीन्स स्टेटस का या यू बोलो लिरिक्स को थोड़ा अच्छे से यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना होगा साइज वाइज को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्हाइट वाले पेज में मीन्स यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मीन्स स्टेटस जो है वो 99% बन चुका है। यहाँ पे जस्ट एक PNG की कमी है, सो उसे भी हम ऐड कर ही देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो स्मोक इफेक्ट हमारा थोड़ा सा अप साइड से, तो इसे डाउन कर देता हूँ। नाउ लेयर्स पे आपको क्लिक करना है, मीडे पे क्लिक करना है एंड देन आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इस PNG का लिंक दे दिया, वहाँ से इसे आप डाउन करके इम्पोर्ट करना। एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे मीन्स स्प्लिट एंड स्किन पैन है सेकेंड वाला सेलेक्ट करना है एंड इसका जो ब्लेंडिंग है उसे भी जस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो स्टेटस है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से करके आप इसे क्रिएट कर सकते हो। जब भी आपको क्रिएट हो जाए मीन्स क्रिएट हो ही चुका है, तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है एंड देन सेव एज वीडियो पे क्लिक करना है। आपका ये जो वीडियो होगा वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से करके आप यहाँ पे कैनवस्ट में इसे क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई एंड आप इजिली इसे क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है।